जय गोरखा सभी गोरखास अराउंड द वर्ल्ड को। ये सिर्फ ऋषिका छेत्री का जीत नहीं है, ये पूरा गोरखा जाति का जीत है, ये पूरा गोरखालैंड प्रेमी का जीत है। और जो अभी तक सफर कर रहे हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे सफरेंस होके बैठा है, जिसको अभी लगने लगा था कि कानून नाम का कोई चीज है नहीं हमारे दार्जिलिंग कालिम्पोंग तराई डुअर्स में, ये उसका जीत है, ये हमारा जीत है। ये नेशनल ह्यूमन कमीशन में मैंने एक अर्जी दी थी, कंप्लेन भेजा था मैंने, और मैं जाके खुद रेखा शर्मा जी के साथ चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन कमीशन कल मैं और मेरा टीम जाके वहाँ पे मिले थे। तो उसके बाद में मैम ने, जब मैंने उसको बताया मैम को इतना एट्रोसिटीज हो रहा है वहाँ पे, ऐसा सप्रेशन हम लोगों को करके रख रहा है, उसके बाद में मैडम को जब मैंने फोटोज दिखाया, वीडियोज दिखाया, उसके बाद में मैडम अग्रीड टू गो विथ अस टू दार्जिलिंग, विजिट ऑल द हिल्स, जितना भी जेल में अभी हम लोगों का कैदी को रखा है मैम, उसको भी विजिट करेंगे, क्योंकि जेल में भी जो कैदी वहाँ पे है, लाइक जो गोरखालैंड एक्टिविस्ट है जेल के अंदर में, उन लोगों को भी एक अलग सा कमरा देना चाहिए, अलग सा खाना होना चाहिए, उन लोगों को जो मर्डर केस है, जो रेप केस है, ऐसे करके जो आदमी आता है, जो वहाँ पे क्रिमिनल है बैकग्राउंड से आए हैं, उन लोगों के साथ भी रखना है। लेकिन दिस इज वेरी इलीगल, जो गोरखालैंड एक्टिविस्ट है उसको अलग सा रखना चाहिए, लेकिन ऐसा किया नहीं है, उन लोगों को भी रेपिस्ट के साथ, मर्डरिस्ट के साथ, और जितना भी क्रिमिनल्स है उसके साथ रखा गया है। तो मैम विल लुक आफ्टर दैट केस ऑल्सो, एंड जितना भी हिल्स पे एट्रोसिटीज हुआ है, जैसे कि 13 शहीद हो गया है, दैट एवरीवन नोज अबाउट दैट, जो 13 शहीद हुए है उन लोगों का घर भी मैम विजिट करेंगे, और जितना भी एट्रोसिटीज हुआ है वहाँ पे नारी के ऊपर एट्रोसिटीज हुआ है, हर एक घर पे जाके मैम विजिट करेंगे। और मैं अपील भी करना चाहती हूँ, जितना भी दार्जिलिंग में सप्रेस होके नारी बैठे हैं, ह्यूमन्स बैठे हैं, मैं उन लोगों को एक अपील करना चाहती हूँ, इससे ज्यादा अच्छा मौका हम लोगों को नहीं मिलेगा, जिससे जिसको हम अपने दर्द दुख बता पाए। सो मैम खुद ही आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि जितना लोगों के पास यू नो लाइक है, उन लोगों का दुख है, दर्द है, तो एक मैम को सुनाए। और मैं इतना भी उम्मीद करती हूँ इसके बाद में डेफिनेटली जस्टिस जरूर मिलेगा, देर से ही लेकिन एकदम जस्टिस मिलेगा, सत्यमेव जयते।